नमस्कार, मैं हूं अनुष्का। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आधार कार्ड भारत के नागरिकों की पहचान का एक विशेष कार्ड है। चाहे आप भारत के किसी भी कोने में चले जाएं, आपका पहचान आधार कार्ड के जरिए हो जाएगा। यही कारण है कि आज लगभग सभी सरकारी कामों में दस्तावेज के रूप में आधार को भी मांगा जाता है। 12 डिजिट के आधार नंबर को अब बैंक अकाउंट और पैन कार्ड से जोड़ने को भी अनिवार्य कर दिया गया है। तो वहीं आधार के बिना रसोई गैस कनेक्शन भी नहीं ले सकेंगे। ऐसे में आपका आधार भी समय समय पर अपडेट रहे और सही जानकारी दस्तावेज के रूप में मौजूद रहे, इसका ख्याल रखना जरूरी हो जाता है। कभी कभी आप किसी कारणवश अपने पहले वाले शहर को छोड़कर दूसरे शहर में बस जाते हैं और आपके आधार में आपका पहले वाला पता ही लिखा होता है, तो कई तरह की परेशानियों का सामना इस समय आपको करना पड़ जाता है। तब आप आधार में अपने पुराने एड्रेस को अपडेट करके नए एड्रेस डलवाने की सोचते हैं। इस काम को अगर ऑफलाइन किया जाए तो सुधार केंद्रों के चक्कर लगाने पड़ जाते हैं, लेकिन UIDAI की तरफ से नागरिकों की परेशानी का हल खोज लिया गया है और यह संस्था आपको घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से खुद से ही आधार में एड्रेस को अपडेट करने की सुविधा देती है। अगर आपको नहीं पता है कि आधार में अपने एड्रेस को कैसे अपडेट करें, तो हम आपको इसका आसान प्रोसेस इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। आधार पर अपना ऑनलाइन एड्रेस अपडेट करने के लिए सबसे पहले आपको UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट UIDAI.gov.in पर जाना होगा। यहाँ पर आपको होम पेज पर माय आधार का एक टैब दिखेगा। इस टैब पर क्लिक करके आपको दूसरी पंक्ति में अपडेट योर आधार का विकल्प दिखाई देगा, जिसमें अपडेट डेमोग्राफिक्स डाटा ऑनलाइन पर आप क्लिक कर ले। अब आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा। इस पेज पर आपको नाम, जन्मतिथि, लिंग, पता और भाषा को ऑनलाइन बदलने का विकल्प मिलेगा। नए पेज पर प्रोसीड टू अपडेट आधार पर आप क्लिक करें। अब आपके सामने नया पेज खुलेगा। इस नए पेज पर 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर डालेंगे और उसके बाद नीचे दिए गए कैप्चा कोड को सेम टू सेम डालकर सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। जो मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक है, उस पर भेजे गए OTP को डालकर आप वेरीफाई कर ले। अब आपके सामने यहाँ नया पेज खुलेगा, जिसमें आप एड्रेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपना नया पता अपडेट कर सकते हैं। नए एड्रेस को अपडेट करने के लिए आपको अपने वर्तमान एड्रेस की पूरी जानकारी को फिल करना होगा। इसे अपडेट करने के बाद आपका वर्तमान एड्रेस अपडेट हो जाएगा। बताते चले कि पता को अपडेट करने के लिए आपको एक सहायक डॉक्यूमेंट भी अटैच करना होगा, जो कि यह प्रूफ होगा कि आपका सुधार करना सही है। इसके लिए पासपोर्ट, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, नरेगा जॉब कार्ड, गवर्नमेंट फोटो आईडी कार्ड्स, शस्त्र लाइसेंस, फोटो बैंक ATM कार्ड, पेंशनर फोटो कार्ड, किसान फोटो पासबुक, मैट्रिक का रिजल्ट आदि को आप दस्तावेज के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। आप अब संबंधित कोई डॉक्यूमेंट में से एड्रेस प्रूफ की रंगीन स्कैन फोटो को अपलोड कर ले। अटैच करने के बाद प्रीव्यू पर क्लिक करें। अब जो भी आपने डिटेल्स भरा है उन्हें एक बार फिर से मिला ले और कैप्चा कोड भर के OTP पर क्लिक करें। फिर से आपके फोन में जो OTP आएगा उसे डालकर वेरीफाई कर ले। इसके बाद आपको ₹50 का पेमेंट कटाना होगा, जिसे आप नेट बैंकिंग या फिर कार्ड के सहारे पेमेंट कर दें। इसके बाद आपको एक रिसिप्ट मिलेगा, उसमें एक SRN नंबर लिखा होगा, जिसकी मदद से आप आगे चलकर ट्रैक भी कर सकते हैं कि आपका एड्रेस अपडेट का काम कहां तक हुआ है। तो इस तरह से चाहे आप जहां भी रहे, आप अपने वर्तमान एड्रेस को से अपडेट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।